नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं बोल्ड स्काई। आखिरकार बॉलीवुड के सबसे हॉट जोड़ी कही जाने वाली रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। खुद रणवीर सिंह ने ट्विटर के जरिए अपने फैंस को ये खबर दी कि वो और दीपिका पादुकोण 14 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ये तो हुई इनकी शादी के बाद, लेकिन अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी थोड़ा हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि दीपिका और रणवीर की नेटवर्थ और कमाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आइए जानते हैं दोनों के इनकम के बारे में और आपको बताते हैं कि अपने होने वाली वाइफ दीपिका पादुकोण से केवल इतना ही ज्यादा कमाते हैं रणवीर सिंह। सबसे पहले बताते हैं आपको रणवीर सिंह की कमाई। बॉलीवुड के हॉट चार्मिंग कहे जाने वाले रणवीर सिंह की नेटवर्थ करीब 136 करोड़ की है, जबकि रणवीर की सालाना कमाई करीब 32 करोड़ रुपए है। इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों से आता है। इसके अलावा ये ब्रांड एंडोर्समेंट और दूसरे सोर्स से भी कमाते हैं। रणवीर के पास करीब 6 करोड़ की लग्जरी कारें हैं, जबकि उनके निवेश की बात करें तो उन्होंने करीब 45 करोड़ जमा किए हुए हैं। अब आइए आपको बताते हैं दीपिका की कमाई। दीपिका की कमाई की बात करें तो दीपिका की नेटवर्थ करीब 102 करोड़ की है, जबकि इनकी सालाना इनकम करीब 32 करोड़ की है। आपको बता दें कि फिल्म पद्मावत के लिए दीपिका को करीब 11 करोड़ रुपए मिले थे। दीपिका अपने बैग और दूसरे फैशन एसेसरीज पर करीब 70 लाख से भी ज्यादा खर्च करती हैं। तो वहीं दीपिका के कारों की बात करें तो इनके पास भी कई गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें से BMW, ऑडी जैसी और भी कई लग्जरी गाड़ियां हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि रणबीर दीपिका से सिर्फ इतनी कमाई में आगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।